बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि सबकी सहमति से बिहार में शराबबंदी की गई थी। जहां यह घटना घटी है उस जिला में पहले भी घटना घट चुकी है, लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है। सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है, जाँच की जा रही है। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा, और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी, जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं ना कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है? है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से, और बाहर में ढोल बजाते हैं? ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मसरख में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताएं। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करें और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करें। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताएं ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था गोपालगंज में, आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था, वह बॉर्डर क्षेत्र है सिवान, छपरा, गोपालगंज, ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे, तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा आज से शुरू हो रही है। उनकी यात्रा पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिराज सिंह जी अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की यात्रा पर निकले हुए हैं। वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की यात्रा कर रहे हैं और भारत के अंदर ही मां भारती के संतान आज कहीं न कहीं अपने को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, तो उनको ये आभास दिलाना है कि ये हजार वर्ष की गुलामी का भारत नहीं, ये स्वतंत्र भारत है और ये स्वतंत्र भारत में मां भारती के संतान अपनी संस्कृति, संस्कार और स्वाभिमान को लेकर के जी सकता है, आगे बढ़ सकता है। हिंदू ज्यादा हुआ, हिंदू क्यों जगा रहे? मैं हिंदू को जगाने की बात नहीं करता,
जो भी माँ भारती के धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, उसे माँ भारती पर गर्व होना चाहिए। और जो गर्व नहीं करता है वो इससे लोगों के मन के विकार को मिटाने के लिए, वो इससे लोगों के मन के अंदर अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिए